हरिओम। आज 17 अगस्त 2024 गीता के महात्म्य के ऊपर हम विचार कर रहे थे। गीता के स्वरूप वर्णन बताया पद्म पुराण के अनुसार। खुद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आप गीता के महिमा ज्ञान मुझे बताइए। उन्होंने कहा लक्ष्मी जी ने भी इसी ढंग का ही प्रश्न विष्णु जी से पूछा था और विष्णु ने कहा था। विष्णु ने कहा कि मेरे जो गीता के स्वरूप है वो जो 18 अध्याय है, उस 18 अध्याय में जो पहला 5 अध्याय है वो मेरा मुख है, और जो 10 अध्याय है वो बाहु है। और 5 और 10 15 हो गया। फिर जो एक अध्याय है वो है उदरम, है पेट, है 16 हो गया। और 2 अध्याय है वो मेरे पैर है, यही है अष्टाध्यायी वाङ्मयी मूर्तेः ऐश्वरी। गीता के ये मूर्ति के स्वरूप है। ऐसे गीता के कोई आधा श्लोक एक श्लोक भी पढ़ता है तो सुशर्मा जैसा व्यक्ति, खोटी बुद्धि भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तुरंत प्रश्न हुआ कि लक्ष्मी ने पूछा कि सुशर्मा कौन है। बस आज उस कहानी को देखते हैं, सुशर्मा कौन है। लक्ष्मी खुद पूछती है कि वो किस जाति का था, किस कारण से उसके मुक्ति हुई। भगवान कहते हैं सुनो कहानी। कहानी सबको अच्छी लगती है, इसीलिए 18 अध्याय के 18 कहानी पद्म पुराण में संश्लिष्ट की गई है, एक इंस्पिरेशन प्रेरणा के लिए। चलिए देखते हैं। सुशर्मा करके एक खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पाप तो करता ही था, हालांकि जन्म अच्छा हुआ था, मगर वेद का ज्ञान, क्रूरता ऐसे ही करता था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ना ध्यान करता था, ना जप करता था, ना होम करता था, ना अतिथियों का संस्कार करता था, कुछ भी नहीं करता था। लंपट था, विषयों में भोग करता था, हल जोता था और पत्ते बेच करके जीविता पालन करता था, शराब भी पीता था, मांस भी खाता था। दीर्घ काल तक इस प्रकार के हुआ। और एक दिन वो किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था पत्ते लेने के लिए, निकाल रहा था, एक सांप आया और काट गया। अब वो मर गया। जब वो मर गया तो अनेक नरक में हो गया, अनेक नरक में गया। उसके बाद मर्त्य लोक में आया, इसी लोक में एक बोझ ढोने वाला बैल बन गया। कहानी सुन रहे थे लक्ष्मी, आप लोग भी सुन रहे हो। तो वो जब बेल बन गया तो एक आदमी ने, किसी पंगु ने अपने जीवन को करने के लिए इसी को खरीद लिया और पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए ऐसे लगभग 7-8 साल बीत गया। एक दिन क्या हुआ, ज्यादा ही उस पंगु ने काम दिया तो ये थक गया। अब ये थक गया तो मूर्छित हो गया। तो जब मूर्छित हो गया तो सब लोग आकर के देखने लगे। एक पुण्यात्मा ने कहा किसी का अगर पुण्य है तो आप देते जाओ तो ये जीवित हो सकता है, उसके लिए अच्छा भी होगा, यमराज के लिए जब जाएगा उसको अच्छा लोक मिलेगा। सब लोगों ने अपने अपने दिए। एक वेश्या चल रही थी, एक वेश्या ने देखा, उन्होंने भी संकल्प किया कि मेरा अगर जो पुण्य है उस पुण्य से उसको मिले, तो उसी समय तुरंत ही वो मर गया। बाद में वो यमोपुरी को गया तो वहां पर देखा कि पुण्य के, वेश्या के पुण्य के बल से उसको मिला, तो उसको जो जितना भोग करना था भोग करके फिर उसको छोड़ दिया। ताकि इस पुण्य के बल से, तो एक ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। और उसको पूर्व जन्म की बात ही याद थी कि मैं पहले ऐसे था, बीच में बैल हुआ और वो वेश्या आकर के पुण्य दिया,
अब उसको इंटरेस्ट लगने लगा और वो वेश्या के पास गया। क्या आपको याद है मैं किस साल पहले से है, आप कौन से पुण्य से दिया था? मैं मुझे पता नहीं, मेरे पिंजरे में एक तोता है, वो तोता कुछ दिन पढ़ता है, उस पढ़ता है उससे मैं भी गुनगुनाता हूँ और मेरा मन शुद्ध हो गया, बस इसी के पुण्य से मैं दिया। तो चलिए तोते से पूछते हैं। तो दोनों तोते के पास गए, तोतों ने अपने पुण्य पूर्व कथा कहने लगे, पूर्व जन्म की। बड़ा इंटरेस्टिंग, एक अपने कहानी देखिए कैसे जुड़ रहा है। तो कहा कि पूर्व जन्म से मैं एक ब्राह्मण विद्वान था, अभिमान हो गया, इतना अभिमान हो गया कि बाकी लोगों के साथ मेरा ईर्ष्या भाव भी बढ़ गया, फिर मेरी मृत्यु हो गई, मैं ही तोता बन गया। मगर किसी एक रास्ता में तोता एक मुनि, एक ऋषि ने उठा के लेके आए। उसी आश्रम में ब्रह्मचारी लोग पढ़ते थे, वो लोग गीता का पाठ करते थे, तो पढ़ते थे, मैं भी पढ़ने लगा क्योंकि मैं तोता था। तोता का नेचर है कि जो भी आप पढ़ोगे वो पढ़ता रहेगा, तो पढ़ता गया। एक दिन धीरे से एक चोर मुझे चुरा करके ला करके इस देवी वेश्या को बेच दिया। मगर मेरी तो आदत है, मैं पढ़ता गया और इस जो मैं पढ़ता था इनके वो रेली ब्रह्मचारी लोग जो पढ़ते थे गीता के पहला अध्याय वो हम पढ़ते थे, और इस देवी के मन पवित्र हो और इसी गीता के पहला अध्याय के पाठ के पुण्य से ही तुम बेल से फिर ब्राह्मण जन्म हुए। ये रही कहानी, सुंदर था। अब हम कल देखेंगे कि गीता का पहला अध्याय का जो डेप्थ मीनिंग है, सारांश है, वो क्या है। फिर उसके बाद हम द्वितीय अध्याय जाएंगे। हरिओम।